देखिए पहले सबसे पहले तो बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा एक नौजवान जो भाई था वो हमारे बीच नहीं रहा। हम इस चैनल के माध्यम से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ में उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको सहनशीलता की कामना करते हैं। और साथ ही साथ आज देखा कि आज स्मोट के अंदर हम आए, यहाँ पर नौजवान साथी जो मेरे साथ मिले इनकी कॉल्स वगैरह भी आने लगी कि हम रास्ता जो है बंद करते हैं। कुछ देर यहाँ पर रास्ता बंद भी रहा लेकिन मुझे कई बार ये चीज़ें उठानी पड़ती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को वाजिया करना पड़ता कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सोई हुई है, हमारी एजेंसीज जो हैं वो सोई हुई हैं। अगर वो प्रॉपर ड्रग्स के ऊपर शिकंजा कसती तो शायद आज जो ये हादसा एक गरीब परिवार को देखना ना पड़ता। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम को गुजारिश करता हूँ कि आपके मोहल्ले के आसपास कहीं भी शॉप्स पे, मार्केट के अंदर, गांव में कोई भी इस तरह का आदमी आपको मिलता है, नौजवान मिलता है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता चलेगा तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान हैं वो मृत्यु का शिकार जो नहीं होंगे। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुजारिश करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सख्ती से काम करे, अन्यथा आने वाले समय में ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को जोखिम उठाना पड़े। हम डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोटरक का चौक है वो जाम करेंगे। हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी।